ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं अमरेश प्रजापति। कोरोना वायरस को लेकर के योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के 15 जिले के कोरोना वायरस हॉटस्पॉट इलाकों को सील करने का फैसला लिया गया। यह प्रक्रिया आज रात 12 बजे के बाद लागू होगी। उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल तक कोई भी बिना मास्क के रोड पर नहीं निकल सकेगा। बिना मास्क के निकलने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। और किसानों के लिए सबसे राहत भरी खबर है, 31 मई तक कोई भी बैंक किसानों को नोटिस जारी नहीं कर सकता है। मास्क नहीं पहनने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यह आदेश 13 अप्रैल की रात 12 बजे तक लागू रहे, यानी लगातार 14 दिन 15 जिले के लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद जैसे बड़े जिले भी शामिल हैं। आइए सुनते हैं जिला अधिकारी शामली। मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार हमारे जनपद शामली में जिस जिस क्षेत्र में पॉजिटिव केस पाए गए हैं उन क्षेत्रों को सील किया जाएगा। 12 बजे से व्यवस्था लागू हो जाएगी। हमारे 3 ऐसे एपिसेंटर प्वाइंट रहेंगे जहां से ज्यादा केस हमारे निकल के आए हैं। कस्बा जिंजाना है, कस्बा मोहल्ला नानूपुरी है और भैसानी इस्लामपुर गांव है। इन 3 एरियाओं में ड्यूटीज लग जाएंगी, बैरिकेटिंग हो जाएगी, किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा और किसी को वहां से बाहर भी नहीं जाने दिया जाएगा। सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति वहां पे हो जाएगी, पूरी पुलिस पेट्रोलिंग होगी, सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था हम कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए ताकि अच्छे से हम लोग वहां पे इन्फोर्समेंट करा सकें। तो मेरे यही अनुरोध है सभी लोगों से कि अगर इस क्षेत्र में है तो वो अपने घरों के अंदर ही रहें, बिल्कुल बाहर ना निकलें। इन कस्बों से अलावा जो बाकी हमारा क्षेत्र है उनमें पहले के हिसाब से, जैसे किराने की दुकानें 6:30 से 9:30 बजे तक खुल रही थी और दवाई की दुकानें 24 घंटे चल रही थी, वही व्यवस्था पहले की तरह ही चलेगी। वहां ऐसी कोई कर्फ्यू या सील होने वाली कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी।